नमस्कार मित्रों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। मुझे उम्मीद है कि छोटी कक्षाओं में आपको समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के बारे में जरूर बताया गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से इनके बारे में बता देता हूँ। समांतर चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज होते हैं जिनमें एक भुजा और उसके सामने वाली भुजा लंबाई में बराबर हो और साथ ही समांतर भी हो। इन दो चित्रों में आप समांतर चतुर्भुज देख सकते हैं। इस तीसरे चित्र में त्रिभुज है, जैसे कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए सी डी वह भी एक त्रिभुज है और ए बी डी वह भी एक त्रिभुज है। इन आखिरी दो चित्रों को आप अपने आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आज हम क्या चर्चा करेंगे। आज हम इन क्षेत्रफलों के बारे में बात करेंगे। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो समांतर चतुर्भुज। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज। अब अगला सवाल जो आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा वह होगा कि हमें समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के बारे में क्यों जानना चाहिए। यह हमें अलग अलग प्रकार की आकृतियों को बांटने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक बूढ़े किसान को अपना त्रिभुजाकार खेत अपनी दो पुत्रियों और एक पुत्र के बीच बांटना है। अब आप ही सोचिए, उस बूढ़े किसान का काम कितना आसान हो जाएगा अगर बिना क्षेत्रफल परिकलित किए वह अपना काम कर सके। इस काम में उसके पुत्र ने अपने पिता की मदद की और बताया कि अगर हम त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को तीन बराबर भागों में विभाजित कर दें और विभाजित करने वाले दोनों बिंदुओं को सम्मुख शीर्ष बिंदु से मिला दें तो प्रत्येक वारिस को खेत का बराबर भाग मिलेगा। इस पर उसके पिता और दोनों बहनें खुश हुईं। इसी तरह के मसलों को हल करने के लिए हमें क्षेत्रफलों के बारे में जानना जरूरी है। आइए मित्रों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच होने का क्या अर्थ है। अगर कोई आकृति हमारी इस परिभाषा को संतुष्ट करेगी तो हम कहेंगे कि उसने परीक्षा पास की। पहली आकृति यह है, इसमें त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी हैं, जो कि एक ही आधार बीसी पर हैं, पर वे एक ही समांतर रेखाओं के बीच नहीं हैं, क्योंकि अगर हम रेखा एडी को खींचेंगे तो वह रेखा बीसी के साथ समांतर नहीं है, इसलिए इसने परीक्षा पास नहीं की। अगली आकृति है यह, इसमें समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है और त्रिभुज सी डी पी है। इसमें भी समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज एक ही आधार डी सी पर हैं, पर वह एक ही समांतर रेखा के बीच नहीं है, इसलिए इसने भी परीक्षा पास नहीं की। अगली आकृति यह है, इसमें समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और समांतर चतुर्भुज सी डी ई एफ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों ही समांतर चतुर्भुज एक ही आधार डी सी पर हैं, साथ ही वे समांतर रेखाएं ए एफ और डी सी के बीच में हैं, इसलिए इसने परीक्षा पास की। अगली आकृति है यह, इसमें समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस हैं और त्रिभुज क्यू आर टी हैं। यहाँ पर
दोनों ही समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज एक ही आधार QR पर हैं और साथ ही वे समांतर रेखाएं PS और QR के बीच में हैं, इसलिए इसने भी परीक्षा पास की। अगली आकृति है यह। इसमें समांतर चतुर्भुज ABCD और समांतर चतुर्भुज PQDA हैं। यहां पर दोनों ही चतुर्भुज एक ही आधार AD पर हैं, साथ ही दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच हैं, जो कि AD और BQ हैं। इसलिए इसने भी परीक्षा पास की। अगली आकृति यह है। इसमें समांतर चतुर्भुज ABCD हैं और त्रिभुज PQR हैं। यहां हम देख सकते हैं कि दोनों ही त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच तो हैं, लेकिन दोनों एक ही आधार पर नहीं हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इसने भी परीक्षा पास नहीं की। मित्रों, अब हम देखेंगे पहला भाग, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज। अब हम यह जानेंगे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब हम इसे सिद्ध करेंगे। हम मानते हैं कि हमें दो समांतर चतुर्भुज ABCD और CDEF दिए हुए हैं, जो एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखाओं AF और DC के बीच स्थित हैं। अब त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF में हम देख सकते हैं कि कोण DAE और कोण CBF बराबर हैं, क्योंकि AD और BC समांतर हैं और तिर्यक रेखा AF के साथ यह कोण इनके संगत कोण है। इसी तरीके से कोण AED और कोण BFC भी बराबर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ADE और कोण BCF बराबर होने चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के कोण का योग 180 डिग्री होता है। और हम यह भी कह सकते हैं कि DE बराबर FC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज CDEF की समांतर भुजाएं बराबर होती हैं। और इसलिए हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF सर्वागसम है ASA नियम के तहत। अब जो हमने त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF को सर्वागसम आकृतियां दिखा दिया है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि ADE और BCF के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, क्योंकि सर्वागसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अब हम समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल को लिख सकते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज EDCB का क्षेत्रफल। अब ADE का क्षेत्रफल BCF के बराबर है, इसलिए हम इसे BCF के क्षेत्रफल प्लस EDCB के क्षेत्रफल की तरह लिख सकते हैं। और यह और कुछ नहीं, समांतर चतुर्भुज EFCD का क्षेत्रफल है। अतः समांतर चतुर्भुज ABCD और CDEF क्षेत्रफल में बराबर हैं। अब हम इस प्रमेय का इस्तेमाल किसी भी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र प्राप्त करने के लिए करेंगे। हम यह जानते हैं कि एक आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही है। हम मानते हैं कि हमें समांतर चतुर्भुज ABCD और आयत CDEF दिए हुए हैं, जो एक ही आधार DC और एक ही समांतर रेखाओं AF और DC के बीच स्थित हैं। हम देख सकते हैं कि AL और DC एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कोण बनाते हैं।
चूंकि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल और ई एफ सी डी जो कि एक आयत है उनका उसका क्षेत्रफल बराबर है। इसलिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं डी सी गुणा एफ सी, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। चूंकि ए एल और डी सी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसलिए ए एफ सी एल भी एक आयत है। अतः ए एल और एफ सी बराबर हैं, और इसलिए हम यह लिख सकते हैं कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल डी सी गुणा ए एल है। मित्रों, अब हम सिद्ध करेंगे कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मान लीजिए कि त्रिभुज ABP और समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं AB और PC के बीच स्थित हैं। अब हम एक अन्य समांतर चतुर्भुज ABQP प्राप्त करने के लिए एक नई रेखा BQ खींचेंगे जो कि AP के साथ समांतर होगी। अब समांतर चतुर्भुज ABQP और ABCD एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं AB और PC के बीच स्थित हैं। अतः ABQP का क्षेत्रफल और ABCD का क्षेत्रफल बराबर होंगे, परंतु त्रिभुज PAB और त्रिभुज BQP सर्वागसम है, क्योंकि विकर्ण PB समांतर चतुर्भुज ABQP को दो सर्वागसम त्रिभुजों में बांट देता है। चूंकि हम यह दिखा चुके हैं कि त्रिभुज PAB और त्रिभुज BQP सर्वागसम है, इसलिए उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, और उसके बाद PAB का क्षेत्रफल ABQP के क्षेत्रफल का आधा होगा। इससे यह प्राप्त होता है कि त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा, क्योंकि हम यह पहले ही दिखा चुके हैं कि चतुर्भुज ABQP का क्षेत्रफल और चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है। अभी तक हमने क्या देखा? एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफलों के बीच यह संबंध होता है। मित्रों, अब हम जानेंगे एक ही आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुजों के बारे में। अब हम यह जानेंगे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। हम अब इसे सिद्ध करेंगे। उपपत्ति। हम मानते हैं कि हमें दो त्रिभुज ABC और PBC दिए हुए हैं, जो एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखाओं BC और AP के बीच स्थित हैं। अब हम CD जो कि BA के समांतर होगा और CR जो कि BP के समांतर होगा, उन्हें इस तरह से बनाएंगे कि D और R रेखा AP पर स्थित हो। अब हम यह कह सकते हैं कि ABCD और PBCR दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, इसलिए त्रिभुज ABC और CDA सर्वागसम होंगे और PBC और CRP भी सर्वागसम होंगे, क्योंकि विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वागसम त्रिभुजों में बांटता है। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा, और इसी तरह त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल PBCR के क्षेत्रफल का आधा होगा। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब याद कीजिए
कि हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला था, जो कि इस सूत्र से हम देख सकते हैं। ABCD का क्षेत्रफल होता है DC गुणा AL। आप BC और AL को चित्र में देख सकते हैं, जो कि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत शीर्ष लंब का गुणफल है। अब मान लीजिए कि ABCD और एक समांतर चतुर्भुज है, जिसका एक विकर्ण AC है। अब AN और DC एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसलिए त्रिभुज ADC और CBA सर्वागसम होंगे, और इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ADC और CBA का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा। अतः ADC का क्षेत्रफल DC गुणा AN इसका आधा होगा, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल आधार DC गुणा संगत शीर्ष लंब AN का आधा होगा। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार पर ना हो, पर उनके आधारों की लंबाई बराबर हो और साथ ही संगत शीर्ष लंब भी बराबर हो, तो उनके क्षेत्रफल बराबर हो सकते हैं। हमने सभी तरह के मामलों को देख लिया है। अब आप चाहें तो CBSE बोर्ड की गणित की किताब के सवाल कर सकते हैं। मेरे अनुसार अब आप सारे सवाल करने के लिए सक्षम हैं। अब याद कीजिए बूढ़े किसान वाला किस्सा, जिसमें बूढ़े किसान को अपने खेत को 3 बराबर हिस्सों में बांटना था। बिंदु A और रेखा BC के बीच की लंबवत दूरी किसी भी त्रिभुज के लिए बराबर होगी। अगर किसान रेखा BC को 3 बराबर भागों में विभाजित कर दे, तो सभी छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर ही होगा। इसी तरह आप भी अपने आसपास की समस्याओं का हल क्षेत्रफलों के बारे में जानकर कर सकते हैं। अंत में आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊं।